हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बींग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तो देखिए वो गुड न्यूज़ क्या है। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि DSSSB का आज एक नया नोटिफिकेशन आया है, और उस नोटिफिकेशन में आपकी एग्ज़ाम डेट्स दी हुई हैं। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट्स हैं वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और आपकी NTT की दोनों ही डेट्स इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनकी आपको एग्ज़ाम डेट दी हुई है, लेकिन जो हमारे काम की है वो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और NTT। तो देखिए, जो हमारे एग्ज़ाम हैं वेरियस पोस्ट कोड के, वो 8 नवंबर से शुरू हैं और 29 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम्स चलेंगे। ये कुछ डेट्स दी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं कि कब से लेके कब तक एग्ज़ाम है। हर एक पोस्ट कोड का एग्ज़ाम एक अलग अलग डेट को कंडक्ट होगा। अब वो कौन सी डेट को होगा, ये चीज़ DSSSB ने अभी क्लियर नहीं की है, लेकिन शायद अगले कुछ दिनों में पता लग जाए कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी है, वो एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, क्योंकि वही हमारे काम के हैं। देखिए, हमारा एक है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और एक है असिस्टेंट टीचर नर्सरी। ये दोनों ही जो हमारे एग्ज़ाम हैं इनकी अगर मैं बात करूँ, तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वो 15x19 पोस्ट कोड का है, और जो आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी है वो 16x19 पोस्ट कोड से है। तो इन दोनों ही जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो गई हैं। 8 नवंबर से लेके 29 नवंबर के बीच में कभी भी ये दोनों एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर इनकी डेट नहीं आई है। प्रॉपर डेट के लिए हमें कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो नवंबर में ही होने वाला है। अभी तक काफ़ी सारे ऐसे र्यूमर्स चल रहे थे कि पता नहीं एग्ज़ाम नवंबर में होगा, कोई कह रहे थे मार्च में, कोई अप्रैल में। तो वो चीज़ अब हमें क्लियर है, हमें पता लग चुका है कि हमें अपनी स्टडी किस तरीके से करनी है और कितना टाइम उसको देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टाइम कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, 1 से 1.5 महीना हमारे पास है। तो जो ये 1 से 1.5 महीना है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी मैटर रखने वाला है, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ, इसलिए जो स्टडी है वो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से अपनी स्टडी करें, किस तरीके से अपना एग्ज़ाम क्रैक करें, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी, इन सब के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स चले हुए हैं। वीडियोज़ बेशक से कम आए, लेकिन उनमें कंटेंट अच्छा होगा। क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अभी टाइम काफ़ी कम है, जो स्टडी है वो काफ़ी हाई लेवल की करनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, एक सिंसियर तरीके से वो सब कुछ करना पड़ेगा। इस कम टाइम में किस तरीके से अपने सारे टॉपिक क्लियर करें, वो चीज़ें हमें देख के चलनी होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई कंटेंट पढ़ना है, कोई वीडियोस देखनी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक स्पेशल कराना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।